स्कॉटलैंड में रहने वाला आदमी अपनी पत्नी की मौत के बाद अपना फ्री बस पास लेकर इंग्लैंड तक के सफर पर निकला और इस सफर के अंत तक वो एक सेलिब्रिटी बन गया। इसी सफर को 2021 की फिल्म द लास्ट बस में दिखाया गया है। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह अलग अलग फिल्मों के एक्सप्लेनेशंस आपके लिए लेकर आए तो हमारे वीडियोस पर लाइक अनलाइक अच्छे या बुरे कमेंट जरूर छोड़े, क्योंकि अगर हमारे वीडियोस को एंगेजमेंट्स नहीं मिलेंगे तो हमारे वीडियोस रेकमेंड होना बंद हो जाएंगे और हम आगे वीडियोस नहीं बना पाएंगे। इंग्लैंड के कॉर्नवॉल इलाके में टॉम और मैरी नाम के दो लोग रहा करते थे, पर 1952 में मैरी ने कहा कि वो उस जगह से बहुत दूर जाना चाहती है। बिना कोई सवाल पूछे टॉम मैरी को वहाँ से दूर ले जाने लगा और अपने बिगड़े हुए रिश्ते को सुधारने की कोशिश करने लगा। वो दोनों इंग्लैंड से निकलकर स्कॉटलैंड आ गए और एक ऐसे घर में रहने लगे जो बाहरी दुनिया की नजरों से दूर है। टॉम सिर्फ अपनी पत्नी की खुशियाँ लौटाना चाहता था, मगर कई साल गुजर जाने के बाद भी मैरी का बर्ताव बदला नहीं। वो दोनों साथ रहकर खुश तो थे, पर टॉम जानता था कि मैरी अब भी उस बात को लेकर परेशान है जिसकी वजह से उन्होंने इंग्लैंड छोड़ दिया था। कुछ वक्त बाद मैरी की मौत हो गई और एक दिन टॉम इंग्लैंड तक के सफर की तैयारी करने लगा। वो घंटों तक उस बस का रास्ता देखता रहा जिस बस में वो उस इलाके तक पहुंच जाएगा जहां वो मैरी के साथ रहा करता था। वो अपने इस सफर को लेकर खुश तो था, पर वो ये नहीं जानता था कि वो अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा या नहीं। इस बीच उसकी आंखों के सामने उसका अतीत भी आता रहा, पर उसने अपना फैसला नहीं बदला। जब उसने बस ड्राइवर को बताया कि वो 1300 किलोमीटर दूर इंग्लैंड तक का सफर तय कर रहा है तो ड्राइवर भी हैरान हो गया, पर टॉम ने कहा कि ये फैसला कोई मजाक नहीं है। बस में बैठते ही उसकी मुलाकात एक बच्चे से हुई और फिर बीच रास्ते उस बस के आगे एक गाड़ी बंद पड़ गई। बूढ़े टॉम ने उस गाड़ी को किनारे करने में ओगिलवी नाम के आदमी की मदद की। और तब टॉम ने बताया कि वो ओगिलवी के दादा के लिए ही काम किया करता था। ओगिलवी की मदद करने के बाद जब टॉम ने बस में बैठे बच्चे को देखा तो उसे वो दिन याद आया जब उसने मैरी से इंग्लैंड चलने के लिए कहा था और मैरी ने साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि उस जगह लौटने से उसके अंदर का दर्द बढ़ जाएगा। इसी डर की वजह से वो जिंदगी भर इंग्लैंड लौट नहीं पाई। पर आज टॉम अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए हर दर्द का सामना करने के लिए तैयार है। अपने दूसरे बस का इंतजार करते हुए टॉम को एक जवान लड़का मिला जो उससे उसकी उम्र पूछने लगा। बातें करते हुए उसने ये भी पूछा कि टॉम किसी जंग का हिस्सा रहा है या नहीं। टॉम ने बताया कि वो 15 साल की उम्र में वर्ल्ड वॉर 2 की जंग का हिस्सा बना था और तब उस लड़के ने बताया कि वो भी एक सैनिक बनने वाला है। टॉम को एहसास हुआ कि वो लड़का हर छोटी चीज से डर जाता है, जिसका मतलब ये है कि वो सिर्फ अपने प्यार को पाने के लिए एक सैनिक बन रहा है, ना कि अपनी खुद की मर्जी से। अगली बस में इंसानों के अलावा टॉम के साथ कुछ भेड़ बकरियां भी सफर कर रही थी और पूरी रात सफर करने के बाद टॉम अगले स्टॉप पर पहुंच गया। उस स्टॉप पर कुछ अनजान लोगों से बातें करते हुए टॉम की बैग चोरी हो गई, पर एक औरत ने उस बैग को वापस लाने में टॉम की मदद की। टॉम ने चोर को समझाया कि उस बैग में बेचने लायक कुछ नहीं है, इसलिए बैग के बदले वो उसे कुछ पैसे भी देने के लिए राजी हो गया। टॉम को सिर्फ अपना बैग चाहिए था और बैग पाने में वो कामयाब हुआ। आगे बढ़ते हुए वो उस वक्त को याद करने लगा जब मैरी खुश रहा करती थी। कुछ देर के लिए टॉम उस कैफे में आराम करने के लिए रुक गया जहां वो सालों पहले मैरी के साथ आया था। वो जगह बिल्कुल नहीं बदली थी, इसलिए टॉम हैरान हो गया और एक बार के लिए उसे लगा कि उसके सामने मैरी आ गई है। निराश होकर वो उस दिन को याद करने लगा जब टॉम और मैरी को खबर मिली थी कि मैरी के पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। इसी बारे में सोचते हुए टॉम इतना ज्यादा खो गया कि बस में ही उसकी आंख लग गई और वो स्टॉप पीछे छूट गया जहां टॉम को उतरना था। टॉम समझ नहीं पाया कि अब वो क्या करेगा, क्योंकि उसका बूढ़ा शरीर भी उसका साथ नहीं दे रहा था। ड्राइवर से बात करने पर उसे पता चला कि अगली बस सुबह 6 बजे मिलेगी और अब रात गुजारने के लिए टॉम को एक होटल ढूंढना पड़ेगा। ये काम उसके लिए आसान नहीं था, क्योंकि उस अनजान इलाके में ना तो टॉम किसी से बात कर पाया और ना ही उसे कोई टैक्सी मिली। अचानक उसकी तबीयत भी बिगड़ने लगी और वो सड़क पर ही बेहोश हो गया। दो अनजान लोगों ने उसकी मदद की और उन्हें पता चला कि सामने बैठा बूढ़ा आदमी बहुत लंबा सफर तय कर रहा है और वो इस सफर पर सिर्फ बस के रास्ते से जाना चाहता है। टॉम ना तो हॉस्पिटल जाना चाहता था और ना ही किसी दूसरे रास्ते जाना चाहता था, क्योंकि उसे उसी रूट से सफर करना था जिस रूट की उसने तैयारी की है। जिद्दी टॉम को वो दोनों अपने घर ले गए और उसकी चोट का इलाज किया गया।
अपने सामने एक हंसते खेलते परिवार को देखकर टॉम को भी खुशी मिली और उनसे बातें करते हुए टॉम ने बताया कि वो इंग्लैंड अपनी पत्नी के लिए जा रहा है। कुछ देर के लिए टॉम को खुश रहकर अपनी परेशानियों को भूलने का मौका मिला और उस परिवार का हिस्सा बनते ही उसे अपनी बेटी याद आई, जिसके आने से मैरी को सारी खुशियाँ मिली थी। उस घर में रात गुजारने के बाद टॉम अगली सुबह चिट्ठी छोड़कर वहाँ से जाने लगा, पर पीट और उसकी पत्नी ने उसे रोककर अच्छी तरह अलविदा कहा। टॉम अपने सफर पर आगे बढ़ते हुए मैरी के आखिरी दिनों को याद करता रहा और जल्द ही उसे पता चला कि वो स्कॉटलैंड से निकलकर इंग्लैंड में आ पहुँचा है। मैरी के पास जब वक्त नहीं बचा था, तब उसे एहसास हुआ था कि उसे टॉम की बात मानकर इंग्लैंड चले जाना चाहिए था। टॉम ने वादा किया था कि वो मैरी को किसी भी हाल में इंग्लैंड जरूर लेकर जाएगा, क्योंकि तब भी देर नहीं हुई थी। मगर टॉम ये नहीं जानता था कि देर सचमुच हो गई थी और मैरी कभी इंग्लैंड लौट नहीं पाई। मैरी से किया वादा पूरा करते हुए आज टॉम खुद इंग्लैंड आ गया है और लैंड्स एंड तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, जहां उनका घर हुआ करता था। इंग्लैंड के ट्रैफिक में फंसे हुए बस में टॉम ने देखा कि एक आदमी बुर्का पहनी एक औरत का मजाक उड़ा रहा है। टॉम अपने आप को उसे चुप कराने से रोक नहीं पाया, पर उस आदमी ने अपनी बदतमीजी बंद नहीं की। उसने टॉम को ही धक्का दे दिया और तब बस में मौजूद हर इंसान ने उसे बस से निकाल दिया। जिस तरह टॉम को ओगिल्वी की मदद करते देख एक आदमी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, उसी तरह बस में एक औरत ने टॉम की बहादुरी के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया और टॉम इस बात से अनजान रहा। वो सिर्फ अपनी मंजिल के बारे में सोच रहा था और उसे इस सफर में खुश रहने के मौके भी मिल रहे थे। इस दौरान उसे जवान लोगों के बीच एक बूढ़ा स्कॉटिश आदमी मिला और उस आदमी से उसकी दोस्ती भी हो गई। वो आदमी उन जवान लोगों के कहने पर गाना गाने लगा और ये वही गाना था जो टॉम मैरी के साथ गाया करता था। जब टॉम ने वो गाना गाना शुरू किया, तब सब चुप हो गए, क्योंकि उन सबको एहसास हुआ कि टॉम किसी को याद करके ये गाना गा रहा है। अगले दिन टॉम उस होटल में पहुंचा, जिस होटल में वो कुछ दिनों के लिए मैरी के साथ रहा था। वो रूम नंबर 1 में रुकना चाहता था, पर वहाँ पहले ही कोई कपल मौजूद था। वो चाहकर भी उस रूम में जा नहीं पाया और पूरी रात उसी वक्त को याद करता रहा जब वो मैरी के साथ रूम नंबर 1 में ठहरा था। सुबह होते ही टॉम होटल से निकलकर अपने सफर में आगे बढ़ा और अगली बस की ओर गया। बस में बैठे बैठे उसे लगने लगा कि उसकी तबीयत बिगड़ रही है और यही बात उसने इमेजिन करते हुए मैरी से कही। वो किसी भी हाल में अपना वादा पूरा करना चाहता था, पर बस ड्राइवर की एक गलती ने उसका सफर मुश्किल बना दिया। मैरी को अपने सपने में देखने के बाद जब उसकी आंखें खुली तो उसे पता चला कि वो एक हॉस्पिटल में है, क्योंकि बस की छत एक ब्रिज से टकरा गई थी। खुशकिस्मती से टॉम बच गया और नर्स का कहना था कि उसने टॉम को पहले कहीं देखा है, पर उसे याद नहीं आया कि उसने उसे कहां देखा है। टॉम जल्द से जल्द हॉस्पिटल से निकलना चाहता था, पर उसने नर्स और डॉक्टर को ये कहते सुना कि उन्हें टॉम को एक रात के लिए हॉस्पिटल में रोकना पड़ेगा, क्योंकि टॉम को लंग, लिवर और किडनी का कैंसर है। जिद्दी टॉम बिना वक्त गवाए हॉस्पिटल से भाग निकलने की कोशिश करने लगा और जब डॉक्टर ने उसे रुकने के लिए कहा, तब उसने कह दिया कि अगर वो इलाज के लिए रुका तो वो कभी हॉस्पिटल से बाहर निकल नहीं पाएगा और उसे किसी भी हाल में एक काम पूरा करना है। डॉक्टर चाहकर भी उसे रोक नहीं पाया। टॉम बिना रुके अपनी मंजिल की ओर बढ़ता रहा और सफर के बीच कोई भी उसे एक मिनट के लिए भी अपने पास रोक नहीं पा रहा था। मगर एक बस ड्राइवर ने उसे बस से उतरने के लिए कह दिया, क्योंकि उसका बस पास वैलिड नहीं था। बस में मौजूद लोगों ने टॉम की मदद करने की कोशिश की, पर उस ड्राइवर ने बीच रास्ते ही टॉम को नीचे उतार दिया। बीमार टॉम बस स्टॉप को पीछे छोड़कर पैदल आगे बढ़ने लगा, पर खुशकिस्मती से एक अनजान आदमी ने उसकी मदद करने का फैसला किया। आंद्रे नाम का वो आदमी दूसरे इमिग्रेंट्स के साथ सफर कर रहा था और उसका कहना था कि वो भी टॉम को जानता है। वो टॉम को एक बहादुर इंसान कहने लगा और जिद करके उसे अपनी पत्नी के बर्थडे पार्टी में ले गया। उसकी पत्नी मारिया भी टॉम को जानती थी और ये भी जानती थी कि वो कहाँ जा रहा है। पार्टी में टॉम की तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगी, पर उसने किसी से कुछ नहीं कहा। इस वक्त में भी वो सिर्फ मैरी को याद कर रहा था, जिसकी मौत टॉम की आंखों के सामने हुई थी, और बिना वक्त गवाए वो वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगा। वो जानता था कि उसके पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, इसलिए उसे रोकने के बजाय मारिया ने उसे मदद के लिए एक छड़ी दी।
धीरे धीरे टॉम के बारे में पूरे शहर को पता चल गया और रेडियो पर टॉम के सफर की खबर आते ही अब पूरा इंग्लैंड उसके बारे में जान गया। अब लोग उसकी मदद करने लगे और उसे बस की टिकट खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हर कोई जानता था कि टॉम अपनी पत्नी के लिए लैंड्स एंड जाना चाहता है। सफर के अगले बस में बैठते ही उसके सामने एक लड़की आई जो अपने आंसू रोक नहीं पा रही थी, क्योंकि उसे अपने प्यार से दूर जाना पड़ रहा था। टॉम ने उस लड़की को संभाला और उस लड़की में उसे अपनी वो बेटी नजर आने लगी जिसे उसने खो दिया था। इंग्लैंड के लैंड्स एंड में जहाँ वो मैरी के साथ खुशी खुशी रहा करता था, वहीं उसने और मैरी ने अपनी बेटी को खो दिया था और आज उसी घर तक पहुँचने के लिए टॉम ने इतना लंबा सफर तय किया है। उसने हर एक रुकावट को पार किया और लोगों की मदद करते हुए आखिरकार वो उस कब्रिस्तान तक पहुँच गया जहाँ उसकी बेटी को दफनाया गया था। मैरी कभी अपनी बेटी की कब्र पर नहीं आना चाहती थी, पर अपने आखिरी दिनों में उसे एहसास हुआ कि उसे कम से कम एक बार तो उस कब्र को देखना चाहिए था। मैरी की वही अधूरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए टॉम अपने दर्द का सामना करते हुए वहाँ लौट कर आया और इस पूरे सफर में उसे उसकी सारी यादें नजर आने लगी। जैसे ही वो अपनी मंजिल पर पहुँचा, उसका स्वागत बहुत सारे लोगों ने किया, क्योंकि अब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का हर इंसान उसके सफर को पूरा होते देखना चाहता था। टॉम ये जानकर हैरान हो गया कि सामने मौजूद हर अनजान इंसान उसी के लिए वहाँ आया है। उन सबको पीछे छोड़कर टॉम उस जगह चला गया जहाँ मैरी ने उसे बताया था कि वो प्रेग्नेंट है, और अपना वादा पूरा करके उसी जगह टॉम ने मैरी की अस्थियों को बहा दिया। मैरी से किया अपना वादा पूरा करते ही टॉम की भी मौत हो गई और एक लंबा सफर तय करने के बाद वो अपनी जिंदगी के आखिरी बस में जा पहुंचा जहां मैरी उसका इंतजार कर रही थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कॉमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।